नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। भारत में रफाल अब आधिकारिक तौर पर आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारी शत्रु स्क्वाड्रन के साथ, जो कि बहुत ऐतिहासिक स्क्वाड्रन है। और ये अंबाला एयर बेस में सब कुछ हो रहा है। अंबाला एयर बेस 1919 से शुरू हो रखा है, 1919 से शुरू हो रखा है, और यहां पर ये गवा रहा है तमाम ऐतिहासिक पलों का। लेकिन ये अपने आप में एक बेहद अद्भुत लम्हा है। 4.5 जनरेशन, यानी न पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ, न चीन के पास। हालांकि चीन दावा करता है कि उनके जो J-20 स्टील्थ फाइटर्स हैं वो 5th जनरेशन के हैं, लेकिन हमारी सेना ने उनकी पोल जो है वो खोल दी थी और इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी थी कि किस तरह से चीन जो है J-20 की कैपेबिलिटीज को लेकर झूठ बोल रहा है। खास तौर पे ये सबसे बड़ा झूठ है कि वो 5th जनरेशन प्लेन है। इसके साथ साथ जो एक अहम बात सामने निकल कर आती है कि 4.5 जनरेशन का होने के बाद भी रफाल में इतनी सारी खूबियां हैं कि वो एक ही वक्त में दोनों तरफ, यानी अगर आप अंबाला में, अगर वो अंबाला में तैनाती है रफाल विमान की, तो सिर्फ 6 मिनट लगेंगे LOC पहुंचने में, 6 मिनट लगेंगे LAC पहुंचने में अगर वो फुल स्पीड से जाएगा। रफाल की मैक्सिमम स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, और तकरीबन अगर आप एयर डिस्टेंस देखें, जो प्लेन्स जिस लिहाज से उड़ते हैं उसे कहते हैं क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस, मतलब जिस तरह से एक चिड़िया उड़ती है उस तरह से जो है वो फ्लाइट डिस्टेंस देखा जाता है, तो तकरीबन 240 किलोमीटर का एयर डिस्टेंस निकल कर आता है। इसे अगर आप गणित के हिसाब से नापेंगे, 2100 या 2000 की रफ्तार से अगर रफाल उड़ेगा तो 6 मिनट, महज 6 मिनट के अंदर LAC भी पहुंच सकता है, LOC भी पहुंच सकता है। तो अंबाला अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक एयरबेस है जहां इनकी तैनाती हो रखी है। और फिर जो अभी और ज़्यादा रफाल आने हैं, अभी इसी साल 5 और रफाल आने हैं, अक्टूबर नवंबर में अगले 5 रफाल और आएंगे, तो ये दुश्मन को एक संदेश देते हैं, क्योंकि दोनों देशों के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो इसके साथ साथ जो ये मिसाइल्स कैरी करते हैं, चाहे वो मिटियोर्स हों, चाहे वो स्कैल्प हों, चाहे वो मीका मिसाइल हों, इसके साथ जो भारत ने एन वक्त पर हैमर मिसाइल ली है अपने लिए, ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि भारत किस तरह से स्ट्रैटेजिकली इन सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहता है अगेंस्ट दुश्मन, या फिर दुश्मन के पास। आप समझिए इस बात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बालाकोट के ठीक अगले दिन कहा था कि अगर हमारे पास रफाल उस वक्त पे होते तो हमें अपने मिराज 2000 स्पाइस 2000 मिसाइल्स के साथ हमें उन्हें बालाकोट तक नहीं पहुंचाना होता, मतलब हमें इंटरनेशनल बॉर्डर तो छोड़िए POK तक भी नहीं जाना होता, और हम यहीं से रफाल के थ्रू जो है अपनी मेटियोर मिसाइल्स को छोड़ देते, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, और ये दुश्मन का काम तमाम कर देती। जो AMRAAM पाकिस्तान की तरफ से X-16 के थ्रू छोड़ी गई थी उनका काम तमाम कर देती। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत 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 ताकत है, और अगर इसकी ताकत का पूरा विश्लेषण किया जाए तो घंटों बीत सकते हैं। लेकिन जो अहम पॉइंट्स हैं कि ये मिटियोर, स्काल्प, मीका और इसके साथ साथ हैमर मिसाइल कैरी कर सकता है और न्यूक्लियर डिवीजन को भी अपने साथ ले जा सकता है। खैर, उसको ले जाने के लिए भारत के पास Su-30 MKIs भी हैं और उसके लिए आपके पास मिराज 2000s भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत है इन विमानों की वो यही कि ये इन तमाम मिसाइल्स को अपने साथ ले जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग जो अपने आप में बहुत खास है इस विमान के साथ, वो इसकी ताकत को, इसकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। मतलब आपको तेल भराने के लिए कहीं किसी और एयरबेस पे नीचे नहीं उतरना है ईंधन के लिए। आपके पास IL-76 है, IL-76 आपके फ्यूल टैंकर हैं जो कि एयर फ्यूल टैंकर्स हैं, और ये IL-76 रफाल में एयर टू एयर ही मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा जब रफाल भारत आ रहे थे तो कैसे एक फ्रेंच एयर फ्यूल टैंकर इनके साथ साथ उड़ रहा था, जिसमें 4 या 5 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई फ्रांस से उड़कर और UAE तक। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में इस रफाल विमान की खासियत है, और दुश्मन फिलहाल एक तरह से डरा हुआ है, और अब भारत की क्षमता जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 5 और रफाल आने हैं। 2022 के एंड तक 36 विमान आपके पास होंगे, यानी एक तरह से 2 स्क्वाड्रंस, 18 फाइटर जेट्स के साथ 1 स्क्वाड्रन बनती है, याद रखिए। तो अगर आपके पास 36 होंगी तो आप 2 स्क्वाड्रन तक पहुंच पाएंगे, और उसके बाद भी फिर रफाल को लेकर, तेजस को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बैठकें हैं। तेजस तो खैर इंडिया मेड ही है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है खासतौर पर रफाल से जोड़कर अगर आप इसे देखें तो ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली, सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।